ये बात है तब की जब मैं अपने मामा के गांव गया था। वहां पर मेरे को दो मटके रखे हुए दिखते हैं, एक मटका होता है स्टील का और एक मटका होता है मिट्टी का। इन दोनों मटकों को देखकर मैं इन दोनों से पानी लेने के लिए पहुंच जाता हूं। तभी मेरे को मेरे भैया रोक लेते हैं और मेरे को बोलते हैं कि अरे इस वाले में नहीं, इस मिट्टी वाले मटके से पानी पियो, इसमें ज़्यादा ठंडा होगा। तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि ऐसा क्या बात है मिट्टी के मटके में जो उसमें पानी ज़्यादा ठंडा होगा एज़ कम्पेयर टू इस स्टील वाले मटके से। तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 9th का, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो भी मैटर हमारे आसपास है, जो भी मैटर हमारे सराउंडिंग के अंदर है, उसके बारे में बहुत ही शॉर्ट के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो बेसिकली इस चैप्टर की हेडिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ की बात हो रही है, मैटर इन अवर सराउंडिंग की बात हो रही है। तो जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनकी बात करी जा रही है इस चैप्टर के अंदर। अब जो भी मैटर, मतलब जो भी चीज़ हमारे आसपास है, या तो वो सॉलिड की होंगी, या लिक्विड स्टेट में होंगी, या फिर वो गैशियस स्टेट के अंदर होंगी, तीन स्टेट्स के अंदर होंगी वो प्रेजेंट। और जो भी हमारे पास मैटर होगा उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर। जो भी ये चीज़ें हैं ये किससे बनी होती हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, पॉइंट वन आपको समझ में आ गया होगा आई होप, कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों चीज़ें किस चीज से बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, जो मैंने आपको बता दिया, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूं और समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड के अगर हम देखें तो वो इंटरमीडिएट लेवल पे, मतलब मीडियम लेवल पे इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते। वहीं पे हम लोग बात कर ले गैसेस की, तो गैसेस के तो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब ये तो इधर उधर आराम से घूम रहे होते हैं। तो इस चीज से हमें समझ में आ जाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉलिड में सबसे अच्छे से चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं जाते। इंटरमीडिएट में मीडियम लेवल पे चिपके हुए हैं, ज्यादा मतलब पास भी नहीं है और ना ज्यादा दूर है। गैस में बहुत दूर दूर है पार्टिकल्स, मतलब एक उधर है एक उधर है। तो इस टाइप से ये थर्ड वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। द स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। जो चीज मैंने आप लोगों को समझाई वही चीज बताई गई है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे सॉलिड्स के अंदर मैक्सिमम होता है, इंटरमीडिएट्स के और लिक्विड्स के अंदर इंटरमीडिएट होता है, और मिनिमम होता है गैसेस के अंदर। अब यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर ये बताया गया कि जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स की, वो मिनिमम होती है। किस केस में, सॉलिड्स के केस में मिनिमम होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है सॉलिड्स के केस में, इंटरमीडिएट होती है लिक्विड के केस में, और मैक्सिमम होती है गैसेस के केस में। The arrangement of particles is most ordered in the cases of solids. In the case of liquid, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly. तो solids का क्या एक proper pattern होता है, जो आपको बताया गया है यहाँ पर कि solids का एक proper pattern से चलते हैं, एक arrangement से चलते हैं। liquid का क्या slip कर सकते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर से slide कर सकते हैं, लेकिन gases का ऐसा कोई भी order नहीं होता, जो उनके particles होते हैं वो बड़े ही freely इधर उधर घूम रहे होते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब जो स्टेट कोई भी मैटर की होती है वो क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। अब यहां पर क्या बताया गया है, कोई भी हमारा मैटर है उसकी शेप चेंज करी जा सकती है और उसकी करंट स्टेट को चेंज करा जा सकता है टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से। जैसे क्या, आपके पास अगर फोन है तो फोन पे अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, अगर आपने फोन को हीट कर दिया तो भी उसकी शेप चेंज हो जाएगी, पिघलने लग जाएगा फोन। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी जो आपको बताई गई हैं। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड एंड वाइस वर्सा।
अब यहाँ पर जो ये सब्लिमेशन वाली चीज़ आपको बताई गई है, ये हम लोग एक बारी समझ लेते हैं अच्छे से। ये सब्लिमेशन वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा। ये जो हमें डायग्राम दिया गया है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एक हमने क्या ले लिया, हमने एक आइस क्यूब ले लिया। आइस क्यूब को जब हमने हीट करा तो वो आइस जो थी हमारी सॉलिड फॉर्म से किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। उस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, फ्यूजन। कि सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड के अंदर बदल रही है तो उसको हम लोग फ्यूजन बोल देंगे। अब वो जो हमारी आइस लिक्विड के अंदर बदल गई, पानी के अंदर बदल गई, हम लोग उसको और हीट करते गए तो वो जो हमारी आइस होगी वो हीट होकर क्या होने लग जाएगी, भाप बनने लग जाएगी। तो भाप को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। तो इसलिए वेपर आइजेशन लगा दिया हमने इसके पीछे, तो ये क्या हो गया, वेपराइजेशन। बहुत सिंपल। अब जो हमारी गैस थी, अब हमारे पास हमने तरकीब लगाई कि गैस को हम लोग कैसे भी करके सॉलिड के अंदर चेंज करेंगे। तो क्या होगा, गैस को अगर हम लोगों ने सॉलिड के अंदर चेंज करा तो क्या करेंगे हम लोग, गैस को सॉलिड के अंदर चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, हमें गैस को लिक्विड की स्टेट में करना पड़ेगा। तो क्या होता है, इस केस के अंदर हम लोग गैस को कंडेंस करते हैं, जब हम लोग उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो गैस इकट्ठी होकर क्या बन जाती है, लिक्विड। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो रहा है गैस का। अब जो लिक्विड है, लिक्विड को अगर हमने और लिक्विड को क्या करा, ठंडा करा या उसका टेम्परेचर डाउन करा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा आइस के अंदर चेंज हो गया जो हमारा वाटर था, तो वो क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। तो इसको क्या बोल दिया, सॉलिडिफिकेशन। अब यहाँ पर कुछ हमारे क्या आ जाते हैं, अब आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ हमारा एक एक्सेप्शन आ जाता है जो आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना। आपको क्या देखना है, अगर कोई भी चीज़ गैसीय स्टेट के अंदर है और गैस से वो सीधे सॉलिड के अंदर चेंज हो रही है, ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उस वाली चीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सब्लिमेशन हो रहा है। और अगर कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो रही है तो उस वाले केस में भी हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब तुम लोग बोलोगे कि सब्लिमेशन ये यार ये काम कैसे करता है, अब सिंपल चीज ले लेते हैं हम लोग ले लेते हैं नैप्थिलीन बॉल्स को। नैप्थिलीन बॉल्स जो हमारे घर में कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनके आसपास व्हाइट कलर की जो बॉल्स डालती हैं हमारी मदर, तो वो क्या होती है, वो तुम देखोगे कि कुछ टाइम के अंदर वो डिसअपियर हो जाती हैं। अब वो लिक्विड के अंदर तो चेंज हुई नहीं, पहले वो सॉलिड की स्टेट के अंदर थी, वो लिक्विड के अंदर तो चेंज हुई नहीं, वो सीधे किसके अंदर चेंज हो रही है, सॉलिड से सीधे गैस के अंदर चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या हो रही है, हमारी सब्लिमेट हो रही है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। अब कोई चीज है गैस की फॉर्म से किसके अंदर चेंज कर रहे हैं हम लोग, सॉलिड के अंदर डायरेक्टली कर रहे हैं चेंज हम लोग, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है सेम, यहाँ पर भी यही प्रोसेस होता है, ये भी सब्लिमेशन ही कहलाता है। अब सब्लिमेशन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो आप सबके घर के अंदर कैम्फर प्रेजेंट होता है, कैम्फर हम लोग कपूर को बोलते हैं। कपूर को अगर आप कुछ टाइम के लिए खुला रख देंगे, घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ टाइम के लिए आप लोग खुला रख देंगे एयर के अंदर, तो आप देखेंगे कुछ टाइम के अंदर वो डिसअपियर हो गया। अब वो डिसअपियर कहाँ पर हुआ, लिक्विड की स्टेट के अंदर तो चेंज हुआ नहीं, वो कहाँ पर चले गया, वो चले गया सीधे गैस की स्टेट में। जैसे ही यहाँ पर आपने, यहाँ पर हमने कैम्फर लिया था, अगर ऐसे हम लोग आइस के किसी क्यूब को रख दे बाहर, तो हम लोग ये देखेंगे कि कुछ देर के अंदर वो किस में चेंज हो जाएगा, वो वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा, पानी की लिक्विड फॉर्म ले लेगा वो। और अगर हमने उस लिक्विड को और हीट कर दिया तो वो गैस के अंदर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब्लिमेशन वाले केस में क्या हो रहा है, सॉलिड सीधे गैस के अंदर बदल रहे हैं, वो इधर उधर कहीं नहीं जा रहे, सीधे गैस की स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहां पर ये आपका एक और पॉइंट क्लियर हो गया। अब बॉइलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, और हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन क्या चीज होती है, ये आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं। अब हमने किसी चीज को बॉइल करा तो हमने ये देखा कि वो चीज बॉइल हो रही है, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक हीट अप होगी, और जब वो ऊपर से लेके नीचे तक हीट अप होगी तो कोई भी पार्टिकल उसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, वेपर बन सकता है उसका कोई भी पार्टिकल। ये देखिए, जैसा मैं आपको इसके ऊपर दिखा रहा हूं, आपको स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जा सकता है। लेकिन हमारे इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे इवेपोरेशन के लिए हमने क्या ले लिया, सेम जो हमने बॉइलिंग के केस में करा था, ऐसे ही इवेपोरेशन में हमने किसी चीज को हीट करा। अब इवेपोरेशन में हम लोग क्या करेंगे, हीट तो करेंगे नहीं, हम लोग सनलाइट के अंडर रख देंगे उस चीज को। तो हम लोग इवेपोरेशन के अंदर क्या देखते हैं, कि जो टॉप लेयर वाले पार्टिकल्स हैं उन्हीं की स्टेट चेंज हो रही है, वही गैस के अंदर चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कुछ इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी पार्टिकल ऊपर से लेके नीचे तक
कहीं पे भी गैस की स्टेट में चेंज हो सकता है, तो इस वजह से बॉइलिंग हो गई, बल्क फिनोमेना। और जो हमारा ये जो लिक्विड था जो हमने वाटर लिया था जो इवेपोरेट होने के लिए रख दिया था धूप के अंदर, इसमें जो ऊपर की लेयर के पार्टिकल्स हैं वही चेंज हो रहे हैं गैस की स्टेट के अंदर, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये बल्क फिनोमेना नहीं होता, ये चीज होती है आप लोग, इवेपोरेशन को हम लोग बोलते हैं सरफेस फिनोमेना, क्योंकि ये ऊपर ऊपर सरफेस का ही जो भी हमारा पार्टिकल्स है सरफेस के वही अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं, इस वजह से ऊपर के पार्टिकल्स को हम लोग ने क्या बोल दिया, सरफेस फिनोमेना। अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, आपने दो वेसल्स ले ली, दो बर्तन ले लिए, एक को आपने हीट करा गैस के ऊपर और एक को आपने रख दिया धूप के अंदर, तो आप ये देखना स्टार्ट करोगे कि जो हमारी वेसल्स है ना, जो भी हमारे वेसल्स हैं, इन दोनों के अंदर हम लोग ये चीज़ नोटिस करना स्टार्ट करेंगे कि जो हम लोग हीट कर रहे हैं उसका कोई भी जो भी उसका पार्टिकल होगा वो कोई भी चेंज हो सकता है डायरेक्टली किसके अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर, लेकिन जो हमारा इवेपोरेट होने के लिए रखा है हमने जिस वेसल के अंदर वाटर, धूप के अंदर रखा है, उधर हम लोग ये देखेंगे कि जो सरफेस के पार्टिकल होंगे सिर्फ वही चेंज हो रहे हैं गैस की स्टेट के अंदर। तो यहाँ से आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा के बल्क फिनोमिना कैसे और सरफेस फिनोमिना कैसे। अब यहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा जो आपका आ जाता है वो आ जाता है अर्थन पॉट्स, जो मटके होते हैं हम लोगों के घरों के अंदर, अभी आप लोगों ने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे लेकिन गांव में बच्चों ने जरूर देखे होंगे मटके के, किस टाइप के होते हैं मटके, अभी कुछ लोग घरों में भी यूज करते हैं अभी भी मटकों को, तो मटकों के साथ हम लोग क्या करते हैं, मटके के अंदर जो अर्थन पॉट है उसके अंदर हम लोग वाटर फिल कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर क्यों फिल करते हैं वाटर, जिससे कि क्या होता है पानी ठंडा रहे मटके के अंदर, इस वजह से हम उसके अंदर वाटर को फिल कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो बाहर का पानी होता है जो हम लोग बाहर से लेके पानी पीते हैं उससे बहुत ज्यादा ठंडा होता है मटके का पानी, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या सिस्टम है उसके अंदर, उसके अंदर तो एसी भी नहीं है ना ही कोई मतलब कूलिंग सिस्टम है, तो कैसे वो ठंडा कर रहा है पानी को, तो बेसिकली मटके के अंदर क्या होता रहता है, देखो बहुत ही सिंपल चीज है, अगर आप मटके को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, अर्थन पॉट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो बहुत सारे टाइनी इनके अंदर पोर्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 छेद होते हैं, अब ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं इनके अंदर पानी ठंडा कैसे जल्दी होता है, ऐसे होता है कि जो भी आपका वाटर है, आपका जो भी उसके अंदर वाटर है वो क्या होगा, इवेपोरेट होता रहता है, इन छेदों से वो पानी क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, अब जो मटका है वो ओवरऑल मिट्टी का बना हुआ होता है, तो नीचे से भी इवेपोरेट होता है पानी, ऊपर से भी होता है, इस वजह से मटका आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा, जब भी आप हाथ लगाएंगे उसको गीला लगता है, हमें थोड़ा सा कैसा लगता है, वेट लगता है, तो क्या होता है जो भी हॉट वाटर, जो भी हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली इवेपोरेट होते रहते हैं, वेपर की फॉर्म में जाते रहते हैं, और जो आपका क्या बचता है मटके के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर, तो ये होता है साइंस आपका अर्थन पॉट का, ठंडा पानी रखने का साइंस है ये। अब दूसरी चीज की बात कर लेते हैं हम लोग, जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और बहुत अच्छा इसके अंदर एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं, कि अभी तो जो हमने मटका लिया था इसी के साथ हमने ले लिया एक और मटका जो कि स्टील का बना हुआ है, स्टील का मटका ले लिया उसके अंदर कोई भी पोर्स नहीं है, और जो हमने नॉर्मल अर्थन पॉट लिया है, ये दो हमारे मटके हैं, अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि पानी ठंडा कौन ज्यादा करेगा, इन दोनों को हमने कुछ टाइम के लिए रख दिया एक्सपेरिमेंट के तौर पर, हमने जब कुछ देर के अंदर देखा और दोनों से पानी पिया तो हमें पता चला कि थोड़ा बहुत डिफरेंस था एज कंपेयर टू जो स्टील का मटका था उससे किसका ठंडा पानी था, हमारे अर्थन पॉट का, जो हमारा मिट्टी का मटका था उसका ज्यादा ठंडा पानी था। अब इस ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, फिर मेरे को समझ में आया कि जो मटका था, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो मटका था उसके अंदर बहुत टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो क्या होते हैं, पोर्स चारों तरफ मटके के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारा स्टील का पॉट था उसके अंदर तो ऐसे टाइनी टाइनी पोर्स नहीं थे, तो इस वजह से मटके के अंदर जो वो टाइनी टाइनी पोर्स थे उनसे कंटिन्यूअसली जो हॉट वाटर था, जो भी स्टेट चेंज कर रहा था वाटर, वो इवेपोरेट हो रहा था, लेकिन जो स्टील का मटका था उसके अंदर से इवेपोरेट नहीं हो रहा था। यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन आखिर होती क्या चीज है और ये होता कैसे है, तो इवेपोरेशन बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर किसके अंदर चेंज हो रहा है, हमारा हमारा वाटर लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन ये बॉइलिंग की वजह से चेंज नहीं हो रहा,
ये चेंज हो रहा है हमारा सरफेस के ऊपर वाला वाटर चेंज हो रहा है, तो ये होता है हमारा इवेपोरेशन। अब यहाँ पर इवेपोरेशन का आप ये भी देख लोगे, कुछ इवेपोरेशन के जो फिनोमेना मैं बता देता हूँ। जैसे आपने बहुत सारे कपड़े वॉश कर लिए, आपकी मदर ने वॉश कर दिए बहुत सारे कपड़े, और आपको बोल दिया जाओ बेटा इन कपड़ों को जाकर सुखा दो। अब आप गए कपड़े सुखाने के लिए और आप है बिल्कुल नौ सीखिए, आपको कपड़े सुखाना आता ही नहीं है, आपने जिंदगी में पहली बार कपड़े सुखाए हैं नाइन्थ क्लास में। आप गए आपने उन कपड़ों को खोले भी घर, क्या करा आपने उनको एक रोप के ऊपर डाल दिया, बहुत सारे कपड़े आपने एक साथ रोप के ऊपर डाल दिए बिना खोले हुए। तो अब इस चीज से क्या चीज हो जाएगी, अगर आपने बिगर खोले डाले हैं क्या वो सूखेंगे जल्दी कपड़े? अब ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने जो वो कपड़े फोल्ड करके ऐसे ही डाल दिए हैं वो क्या होते हैं, वो सूखते ही नहीं है। तो आपकी मदर जब आती है तब वो थोड़ी देर में आकर आपको बोलती हैं, अरे गधी तेरे को कपड़े भी नहीं सुखाना आते, तेरा तो क्या ही होगा। तो ऐसा क्यों बोलती है तुम्हारी मदर, वो बोलती है कि ये जो कपड़े हैं इनको बेटा खोल खोल के सुखाओ। तो इनको खोल खोल के क्यों सुखाने को बोलती है आपकी मदर, ऐसी क्या रीजन है जिस वजह से हम लोग अगर खोल के कपड़ों को सुखाते हैं तो वो जल्दी सूखते हैं, या फिर एज कम्पेयर टू जब हमने इकट्ठे करके एक साथ ही सीधे कपड़ों को रोप के ऊपर डाल दिया तो वो क्यों नहीं सूख रहे हैं? तो रीजन ये है कि आपने अभी अभी पढ़ा है कि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, उतनी ज्यादा इवेपोरेशन बढ़ेगी। इस वजह से हम लोगों को ये बोला जाता है कि कपड़े जब भी हम सुखाएं तो उन्हें खोल खोल के सुखाएं, जिससे कि उनका सरफेस एरिया बढ़े और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़े। इस वजह से क्या होता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। अगर आप कपड़ों को इकट्ठा डाल देंगे तो दे विल टेक अ लॉन्ग टाइम एज कम्पेयर टू दोज जो कि स्प्रेड करके आप लोगों ने स्प्रेड आउट करके प्रॉपरली इवनली आपने सुखाए हुए हैं। यहां से आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कि बारिश हो रही है, बारिश के सीजन में हम लोग ये देखते हैं कि कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते। तो ऐसा क्यों होता है कि बारिश के सीजन में कपड़े सूख नहीं पाते हैं जल्दी? तो ऐसी क्या बात है बारिश के अंदर, ऐसा आखिर बारिश के अंदर क्या चमत्कारी चीज है जो वो कपड़ों को सूखने नहीं देती? ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी एयर होती है, एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेन करती है एयर। आपको पता होगा मॉइस्चर जो पानी होता है एयर के अंदर, जिसको हम लोग बोल देते हैं वाटर पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉइस्चर बोल देते हैं। तो एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, लेकिन बारिश के टाइम पे क्या होता है, वो मॉइस्चर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो एयर के पास ऑलरेडी इतना सारा मॉइस्चर होता है, तो जब इवेपोरेशन की बारी आती है तो इतने प्रॉपरली इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी एयर के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो इसलिए उसे और ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती। इस वजह से हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है इन रेनी सीजन। इस वजह से हमारे कपड़े क्या होते हैं, बहुत लेट तक सूखते हैं रेनी सीजन के अंदर। तो यहां पर आपको ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी ये मैंने आपको बता दी। और भी एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, बहुत ही अमेजिंग बात है जो कि हम लोग सर्दियों में हमने देखा होगा कि वुल के कपड़े पहनते हैं, लेकिन गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, कॉटन की टी शर्ट क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं गर्मियों में हम लोग कॉटन की टी शर्ट, क्योंकि कॉटन के अंदर बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे 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 छेद होते हैं। इनसे क्या होता है, जो भी आपके अंदर की हीट होती है वो क्या है, इवेपोरेट होती रहती है। तो इस वजह से आपका अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी आपका स्वेट होता है और उसको इवेपोरेट करता रहता है। इस वजह से आपको यू विल फील अ लिटिल बिट गुड इन द कॉटन क्लोथ्स इन समर्स। इस वजह से हमें बोला जाता है कि समर्स के अंदर हम लोग कॉटन के क्लोथ्स पहने, क्योंकि वो स्वेट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उन्हें इवेपोरेट कर देते हैं जो उनके अंदर छोटे 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 कॉटन के अंदर छेद होते हैं। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ तक ऑलमोस्ट आपका सारा चैप्टर हो चुका है। अब जो लास्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलना है। बस ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, एक बारी में समझ जाओगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग, और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो यहां पर क्या बताया गया कि 373 केल्विन क्या होता है, हमारे वाटर का टेम्परेचर होता है अगर हम लोग केल्विन के अंदर देखते हैं। तो इसको हमने कैसे करा है कि 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, 273। तो ये क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हमारा केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर हमें अगर किसी भी चीज को सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो वी विल ऑलवेज ऐड 273, हम लोग 273 को प्लस कर देंगे। अब केस आता है, अब आपको बोल दिया कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलना है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूं क्लियरली, कि केल्विन को सेल्सियस के अंदर कैसे चेंज करना है। यहां पर तो हमने
ऐड कराता है सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, लेकिन केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना है? अगर हम लोगों को किसी भी केल्विन को, जैसे यहाँ पर 373 केल्विन दिया गया है हमें, इसको चेंज करना है सेल्सियस के अंदर, तो सिंपल जो 273 हमने ऐड करा था इसकी जगह इससे आप 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट हो गया। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, इतना भी इतना तो आसान आप 2 मिनट में कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी बात पर आप मेरे को एक ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको केल्विन का दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है आपको, तो ये वाला जो क्वेश्चन है फटाफट आप लोग इसी बात पर करके दिखा दीजिए। एक मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या कर रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल के अंदर बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 300 के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, फटाफट कैलकुलेटर खोल लेते हैं और देख लेते हैं क्या ऐड करना पड़ेगा। 300 के अंदर हमें ऐड कर देना है क्या, 2, 7 और 3, क्या आ जाएगा आपका 573। बहुत सिंपल, अब 250 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और इसको क्या करना है हमें, माइनस कर, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, यहाँ पर फिजिकल स्टेट पूछी गई है, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर हमें फिजिकल स्टेट बताई गई है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने देख लिया कैसे हमने चेंज कराया इसके अंदर, और यहाँ पर फिजिकल स्टेट बताई गई है कि 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये दो फिजिकल स्टेट आपको वाटर की बताई गई कि क्या होगी वाटर की स्टेट अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा और 250 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाटर अभी इस वाली कंडीशन में लिक्विड स्टेट के अंदर ही होगा, और 250 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या होगा, वाटर गैसियस स्टेट के अंदर होगा, गैस के अंदर बदल गया होगा, भाप के अंदर बदल गया होगा, स्टीम के अंदर बदल गया होगा। ये सिंपल चीज है बहुत ही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर क्या होता है, देखो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा है, एक थोड़ा सा लिक्विड ले लिया हमने एक बीकर के अंदर, वाटर ऐड कर दिया एक बीकर के अंदर, और उसके अंदर हम लोगों ने थर्मामीटर ऐड कर दिया जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, और हम उसको हीट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचने के बाद पानी गर्म होते होते धीरे धीरे करके 100 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि वो पानी का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये चीज देखकर हम लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये जो हीट है जो हम नीचे से हीट तो कर रहे हैं, तो ये हीट जा कहां पर रही है, ये हीट मैं बताता हूं स्टूडेंट्स कहां पर जा रही है, ये हीट जा रही है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अगर वो जो चीज है वो लिक्विड के अंदर है, वो चीज लिक्विड से गैस के अंदर बदल रही है, तो वो हीट 100 डिग्री सेल्सियस के बाद किस चीज में यूज हो रही है, वो जो चीज लिक्विड में है, जो हमारा पानी लिक्विड फॉर्म के अंदर है, उसको गैस में बदलने में वो हीट यूज हो रही है। ये हो गया आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब दूसरा पॉइंट यहां पर आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या चीज है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी सेम ही चीज है। यहां पर हमने लिक्विड लिया था, पानी लिया था, जो पानी भाप के अंदर चेंज हुआ था और जो हीट उसकी यूज हो रही थी, पानी की जो हीट थी यूज हो रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था वाटर का गैस के अंदर चेंज होने की वजह से, तो यहाँ पर हमने सेम इसके अंदर करा है, सॉलिड के अंदर हम लोगों ने आइस ले ली, और आइस को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल्ट करना, वाटर के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग यही देखेंगे कि आइस भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो जो हीट है वो कहाँ पर जा रही है, वो हीट जा रही है आइस को लिक्विड के अंदर बदलने में। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज दैट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 1 kg ऑफ लिक्विड गैस टू लिक्विड टू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी लिक्विड को 1 kg किसी भी लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है, किसमें, उसकी स्टेट चेंज करने में, बॉइलिंग पॉइंट से उसको गैसियस स्टेट के अंदर लाने में, उसे हम लोग बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब ये भी होता है हिडन हीट, छुपी हुई हीट होती है ये। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी सेम होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड के अंदर बदलने में जितनी हीट चाहिए, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये है बहुत सिंपल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन की डेफिनेशन। और एक और इसमें से पॉइंट आपका निकल के आता है, वो आता है डेंसिटी का। डेंसिटी आखिर क्या चीज होती है,
ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बस यहीं पे, एक डेंसिटी का टॉपिक और समझ लो, बस इतना सही समझ जाए। डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, कि कोई चीज का कितना मास है और वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे एक सिंपल चीज, हमने कॉटन ले ली 100 kg और एक आयरन बार ले लिया 100 kg का, तो आप मेरे को बताओ कि जगह कौन ज्यादा लेगा? जगह ऑब्वियसली कॉटन ज्यादा लेगी, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और जो हमारा आयरन बार है वो क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वो ज्यादा ठोस है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं। यही चीज यहां पर आपको समझ में आ जाती है, कॉटन के ज्यादा लूजली पैक्ड है, सॉलिड स्टेट में है लेकिन फिर भी लूजली पैक्ड है, इस वजह से वो जगह ज्यादा लेती है। तो क्या होता है, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा ले रही है तो इस वजह से क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, या फिर और यहां पर हमारे जो मास है दोनों का सेम ही लिया था हमने, यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम जगह कम ले रहा है हमारा आयरन, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, डेंसिटी ज्यादा आयरन की इस वजह से हो जाती है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को ये पूरा चैप्टर क्लास 9th का अच्छे से समझ में आ गया। इसके अलावा भी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे इस चैनल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।